पार्टी कार्यालय में आप अपने संबंधित कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आपने आज प्रेस बुलाया है, उस प्रेस का विषय क्या रहा है? आज समाजवादी पार्टी बलिया विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अजय यादव जी ने आप लोगों को आमंत्रित किया, प्रेस के साथियों को और हम नेताओं कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया और अवगत कराया कि जो 8 जून को हम लोगों ने बलिया के सिंचाई विभाग एवं बाढ़ विभाग के द्वारा ड्रेनों के सफाई के नाम पर 17 मार्च के हुए टेंडर के मुताबिक कार्य शुरू नहीं कराया है, 14 तारीख तक अगर काम शुरू नहीं हुआ तो 15 तारीख को हम बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदया ने और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने लगातार हमारे विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क साधे रहने का काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सिंचाई विभाग और बाढ़ विभाग की तरफ से एक पत्र हमारे विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि बाढ़ विभाग अपना काम जो हमारे मांग पत्र में था, सिंचाई विभाग अपना काम जो ड्रेनों की सफाई का था उस पर काम प्रारंभ कर दिया है। मैं उस मांग पत्र को भी देखा है और अपने विधानसभा क्षेत्र के उन ड्रेनों के का भी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से निरीक्षण कराने का काम किया है। काम प्रारंभ हो चुका है, यह सही है। इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विभाग को निर्देशित किया और कार्य शुरू कराने का काम किया है। लेकिन हम संतुष्ट पूर्णतया तब होंगे जब सभी ड्रेनों की सफाई टेंडर के मुताबिक, लंबाई के मुताबिक, गहराई के मुताबिक हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर जैसा हमारे विधानसभा का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष या निर्देश होगा, उस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल हम लोगों ने कल का जो 15 तारीख को बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग का घेराव का कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया है और अगली तारीख हम लोग काम शुरू नहीं होगा तो फिर तय करके घेराव करने का काम करेंगे। दूसरे सवाल क्या और है, अभी आपने बिजली का भी चर्चा किया है, बिजली को अभी तो आप ट्रेनों की बात कर रहे थे, बिजली में क्या है? आज मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष के जो ज्वलंत समस्याएं थी उसमें इन्होंने बलिया शहर के भी जल जमाव से निजात दिलाने की बात उठाई, क्योंकि जब से हम लोगों के ड्रेन के मांग किया सफाई का सोशल मीडिया पर चलने लगा तो शहर के लोग हम लोगों से बार बार यह सवाल करने लगे कि शहर के जल निकासी का क्या होगा, आप भी इस सवाल को उठाते रहने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज जिलाधिकारी से यह भी मांग किया है कि जिस तरह से आपने जल जमाव जो किसानों के खेती बर्बाद करने में सबसे बड़ा कारण था उसको सफाई करने के लिए आपने ड्रेनों की सफाई का काम शुरू किया है, उसी तरह से बलिया शहर के कई मोहल्ले हैं जो बरसात में पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के और नगर पालिका के कुकृतियों के कारण जल जमाव से बिल्कुल प्रभावित हो जा रहे हैं। नाव पर चढ़ के लोग अपने घर तक जाते हैं, आपने देखा होगा, इससे भी निजात दिलाने के लिए तत्काल काम करें। नहीं करेंगी तो हम लोग फिर इस पर आंदोलन करेंगे। बिजली का काम जो अंडरग्राउंड केबल का काम आपने जाना होगा, जिसका शुभारंभ